अब बात भारतीय झंडे में इस्तेमाल होने वाले कपड़े पर मचे कलेश की। इसकी वजह है भारत के झंडे में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा पॉलिएस्टर कपड़ा। इस पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अखबार में लेख लिखा है। इस लेख में उन्होंने पॉलिएस्टर झंडों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की है और सरकार से मांग की है कि तिरंगे झंडे में सिर्फ और सिर्फ खादी के कपड़े का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने लिखा है कि सरकार पॉलिएस्टर को खादी के बराबर महत्व दे रही है, जो सही नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा है कि ऐसे वक्त में जब सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है तो उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। खादी के मुद्दे पर सोनिया गांधी के सियासी हमले का अगर वर्गीकरण करें तो मुख्यतः ये दो आधार पर दिखता है। पहला आधार ऐतिहासिक है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश की आजादी की लड़ाई में खादी का अहम योगदान रहा है, इसीलिए गौरवशाली अतीत को ध्यान में रखते हुए इसी कपड़े का झंडा होना चाहिए। सोनिया गांधी का दूसरा आधार आर्थिक है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पॉलिएस्टर झंडों के लिए ज्यादातर कच्चा माल चीन से आयात किया जाता है, जो आत्मनिर्भर भारत के नारों के ठीक उलट है। इन दो आधारों पर सरकार की आलोचना करने के साथ साथ सोनिया गांधी ने फ्लैग कोड यानी झंडा संहिता के बदलाव के लिए भी सरकार पर हमला किया। उन्होंने अपने लेख में लिखा कि 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सरकार ने मशीन निर्मित पॉलिएस्टर बंटिंग को शामिल करने के लिए ध्वज संहिता में संशोधन किया। साथ ही पॉलिएस्टर के झंडे को जीएसटी से छूट भी दे दी गई। खादी के झंडे को टैक्स के दायरे में रखा गया है, जिससे खादी के कपड़े से बने झंडे की मांग घट गई है और पॉलिएस्टर के झंडे की डिमांड बढ़ गई है। आपको बता दें कि बंटिंग एक सजावटी कपड़ा होता है, जिसे अक्सर झंडे, बैनर और अन्य सजावटी वस्त्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कपड़ा आमतौर पर पॉलिएस्टर या किसी दूसरी टिकाऊ सामग्री से बना होता है, ताकि ये मौसम प्रतिरोधी हो और लंबे समय तक चले। सोनिया गांधी के इस लेख के बाद कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे नेता सरकार पर हमला कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि असल मुद्दे से ध्यान हटाने की ये पूरी कोशिश है। राहुल गांधी कांग्रेस पहले भ्रम रोज फैलाते थे, अब उनकी माताजी भी आ गई भ्रम फैलाने में। पॉलिस्टर यहाँ 10 मिलियन टन की कैपेसिटी है भारत में, 7 मिलियन टन उसके बन रहे हैं कपड़े। ये बेकार की बातों को देश में भ्रम फैलाना माँ बेटे का काम रह गया। लिखा है बिल्कुल तथ्य लिखा है और सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए कैसे इस पूरी इंडस्ट्री को खत्म करें। लिखा है बिल्कुल तथ्य लिखा है और सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए कैसे इस पूरी इंडस्ट्री को खत्म करें। वैसे सोनिया गांधी जिस फ्लैग कोड में बदलाव की बात कर रही है वो 2022 में आया था, जिसमें झंडे के कपड़े से लेकर इसे फहराने तक के नियम में कई बदलाव हुए थे। 2022 से पहले हाथ से बुना और कता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत थी, लेकिन नए फ्लैग कोड में मशीन से बना हुआ कपास, ऊन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। साथ ही अब पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। सरकार ने 2022 में फ्लैग कोड में बदलाव क्यों किया था यह भी उस समय बताया गया था। 2022 में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। इसके तहत देश भर में 20 करोड़ घरों में लगातार 3 दिन तक तिरंगा फहराने की योजना बनी। इतने बड़े पैमाने पर हाथ से बने खादी के झंडे की सप्लाई मुश्किल थी, इसीलिए फ्लैग कोड में मशीन से बने झंडे और पॉलिएस्टर के झंडे को शामिल किया गया था। सोनिया गांधी ने अपने लेख में यह भी आरोप लगाया है कि पॉलिएस्टर के झंडे के कारण खादी उद्योग को नुकसान पहुंचा है। हालांकि खादी ग्राम उद्योग के आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2013-14 में खादी और ग्राम उद्योग उत्पादों का प्रोडक्शन 26,109 करोड़ रुपए का था, जबकि वर्ष 2023-24 में ये 315% के उछाल के साथ 108,297 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अगर पिछले 10 वर्षों में खादी के कपड़ों के उत्पादन की बात करें तो 2013-14 में खादी के कपड़ों का उत्पादन 811 करोड़ रुपए का था, जो अब 295% के उछाल के साथ वर्ष 2023-24 में 3,206 करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच गया है, यानी करीब 4 गुना हो गया है।